नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कहते हैं कि राजनीति संदेशों से चलती है, और हरियाणा से जो जींद का उपचुनाव हुआ है उससे जो संदेश निकला है उसके बाद वहां पे राजनीति करवट लेती हुई सी नज़र आ रही है। तीन तरह की बातें चल रही है। पहली बात, चौटाला परिवार में फूट पड़ने के बाद एक तरफ इनेलो हो गया, जिसकी कमान अभय चौटाला और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला के पास है, अशोक अरोड़ा संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, जो कि अजय चौटाला के बेटो दुष्यंत और दिग्विजय और उनकी पत्नी नैना चौटाला ने बनाई, जींद के उपचुनाव में बीजेपी बेशक जीती लेकिन जननायक जनता पार्टी और दिग्विजय जो है दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद जो है आपने उनका समर्थन किया था। इसके बाद दो डेवलपमेंट हुए। एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जिस बसपा का इनेलो से गठबंधन हुआ था कि हम मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उस बसपा के प्रमुख मायावती ने दिल्ली में बैठक करने के बाद ये बयान दिया कि चौटाला परिवार में जब तक एका नहीं होती तब तक वो अपने गठबंधन के डिसीजन पे पुनर्विचार करेंगे। एक डेवलपमेंट। दूसरी तरफ आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जननायक जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जींद उपचुनाव ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी को रोकना और दलों के बूते की बात नहीं, वो आप और जननायक जनता पार्टी ही मिल करके उसे हरियाणा में रोक सकती है। दो डेवलपमेंट। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इनेलो यानी कि अभय चौटाला की बीजेपी से नज़दीकियाँ हो रही है, और बताया ये जाता है कि इनेलो ने अपना जो कमज़ोर उम्मीदवार उतारा, दूसरे उम्मीदवार पर जो दांव लगाया वो जानबूझ करके लगाया था, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उन्होंने बीजेपी की मदद की है। अब यदि इनेलो बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बयान दे रही हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी सोच समझ करके बयान दिया होगा, और उनको इस बात की खबर है कि अभय चौटाला जो है बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं, चूँकि उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला और बड़े भाई अजय चौटाला जो है शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सज़ा काट रहे हैं, तो उन्हें सत्ता की भी ज़रूरत है, क्योंकि जेल में रहते हुए जो सुविधाएं वगैरह मिलती है उसमें सत्ता बहुत काम आती है। दूसरी बात, को उन्हें ये भी लग रहा है कि बीजेपी जाने वाली नहीं है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में ये भी बात आ रही है कि यदि अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच में समझौता नहीं हुआ तो इनेलो का खात्मा तय है, क्योंकि यहाँ पे उनका उम्मीदवार जींद उपचुनाव में 5वें नंबर पे आया था, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया था। तो ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है कि इनेलो बीजेपी के नज़दीक जा रही है, बसपा से उसकी दूरी बढ़ गई, और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जो है आपसे समझौता कर रही है। तो जो लोकसभा चुनाव में लड़ाई होनी है वो एक तरफ बीजेपी और इनेलो हो सकती है, दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और आप हो सकती है, और तीसरी तरफ जो है कांग्रेस हो सकती है। तो ये है जींद उपचुनाव का जो है फैसला, जिसके बाद किस तरह से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से सट रही हैं और जिनसे गठबंधन हुआ था वो अलग हो रहे हैं। तो ये कुछ है, जो भी इसमें अपडेट होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।